राष्ट्रीय स्तर पर तथा बड़े पैमाने पर हैवी व्हीकल्स यानी ट्रकों की चोरी करने वाले गिरोह को मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की कई टीमों ने मिलकर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कार्रवाई भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है, जहां पूरे भारत में ट्रकों की चोरी के मामले काफी बढ़ते जा रहे थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे ने इस मामले के लिए कई टीमें गठित कर दर्ज हुए मामले पर रिसर्च किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद कई सीसीटीवी खंगालने के बाद और फास्ट ट्रैक की मदद से आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा गुड़गांव में ट्रकों की बड़ी चोरी के लगभग 22 से भी ऊपर मामले दर्ज हैं, जिसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले से तथा इस गिरोह से जुड़े हुए आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द होगी, ऐसा पुलिस आयुक्तालय मधुकर पांडे ने संदेश दिया। पुलिस ने आरोपी फारूक खान तथा मुबीन खान इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर इनके पास से 84 आइसर टेम्पो, 2 टाटा टेम्पो, 1 अशोक लेलैंड टेम्पो तथा 2 क्रेटा कार, जिसकी कुल कीमत लगभग 4,50,00,000 बताई जा रही है, यह माल बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही जिनकी गाड़ियां चोरी हुई थी, ऐसे कुछ फिरियादियों को आज उनकी गाड़ियां भी उन्हें सौंप दी गई। आपको बता दें कि यह कार्रवाई भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। दिनांक 23 दिसंबर 2022 को एक हमारे काशीमीरा मीरा रोड के एरिया में रहने वाले एक फिरियादी है, जिनका नाम है विनय कुमार हीरालाल पाल। इनकी अपनी एक आयशर कंपनी थी का एक टेम्पो था और वो टेम्पो उन्होंने 23 दिसंबर को कहीं पे लगाया था और उसके बाद चले गए थे। 25 तारीख को जब ये वापस आए तो वो टेम्पो उनको नहीं दिखा। इस बारे में उन लोगों ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल की और इस FIR का इन्वेस्टिगेशन पैरेलल क्राइम ब्रांच ने भी शुरू किया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो ट्रक आखिर कहाँ गया, वो टेम्पो आखिर कहाँ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरह के डायरेक्शन में तपास किया, जिसका एक डायरेक्शन था CCTV फुटेज एनालिसिस और उसमें एक CCTV फुटेज में हमको दिखा। उसके बाद में फिर आगे कहीं और CCTV है क्या उस रास्ते। हेलो आगे एक जगह पे CCTV फुटेज जो आपको टेम्पो दिखा उसी रास्ते के आगे के किसी CCTV में दिख रहा है क्या, ऐसा करते करते हमारे लोगों ने वो पूरी ट्रैकिंग की और हमारी ट्रैकिंग राजस्थान तक हुई। इसमें आपको ये समझ में आया कि ये जो टेम्पो था ये यहाँ से निकल के खारेवाड़ी टोल नाका, उसके बाद में तरासरी, उसके बाद में बड़ौदा, वहाँ से गोधरा से आगे राजस्थान में रेवाड़ी टोल नाका है वहाँ पर गई, वहाँ उन्होंने उसका एक नंबर चेंज किया और उसी जगह पे उन्होंने रेवाड़ी टोल नाका में एक फास्टैग का यूज़ किया। उस फास्टैग का एनालिसिस करने के बाद में हमको एक नंबर मिला, उसका एनालिसिस करने करते तो ये पता चला कि ये नंबर इसी रास्ते से मूव हो रहा था, तो आपको ये समझ आ गया कि ये हम लोग सही ट्रैक पे हैं। इसको आगे उसी को वर्कआउट करते हुए अलवर राजस्थान से हमने 2 आरोपियों को पकड़ा। ये 2 आरोपी जो है इनका नाम है फारूक तैयब खान और मुबीन हारिस खान। इनको हमने अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने हमको और भी इस तरह की कई गाड़ियां उन्होंने चोरी की हैं और चोरी करने के बाद में इधर उधर कहीं रखी हुई हैं और उनका डिस्पोजल अभी होना बाकी है। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब जो भी मिलता है उसकी रिकवरी कर लेते हैं ताकि डिस्पोजल से पहले रिकवरी हो जाए और बाद में फिर बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता रहेगा। इसमें राजस्थान की जो वहाँ की पुलिस थी प्लस गुजरात की जो पुलिस थी, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने उनके साथ में हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ, दे हेल्प्ड अस अ लॉट। और ये सारे ऑपरेशन में जो कि पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुल 4,50,00,000 रुपये के टोटल 53 व्हीकल्स, इसमें 48 है आयशर टेम्पो, 2 टाटा टेम्पो, 1 अशोक लेलैंड है और 2 क्रेटा कार है।
इतनी सारी गाड़ियां जब रिकवर की। इसमें शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारी जो गाड़ियां हैं ये हमारे एरिया से ही गई होंगी या फिर महाराष्ट्र की होंगी, लेकिन बाद में जब उसका आयशर कंपनी के लोगों के साथ में हमने जब टेक्निकल उसका ये किया कि एक्चुअली जो ऑरिजिनल इसका जो नंबर है इंजन नंबर वो क्या है, तो उसका एनालिसिस करने से ये पता चला कि इसमें 42 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं, उसमें 42 में से 4 महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र से चोरी गई हैं, 2 उत्तर प्रदेश से गई हैं, 1 हरियाणा से गई है और 9 हरियाणा से और 7 दिल्ली से। हमने वहाँ की जो संबंधित पुलिस स्टेशन है पुलिस वालों में संपर्क किया है और इससे जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो इस नेटवर्क का एक कॉम्पोनेंट थे, वो चोरी करते थे, चोरी करने के बाद में इसको वहाँ ले जाकर देते थे। आगे का जो स्टेशन है उसके लिए हमने इन लोगों को हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं और वो करने के बाद में इसका बाकी का नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो शुरू होगा। जिन लोगों की गाड़ियां गई थी उसमें से 4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हमने यहाँ बुलाया है और इसी कार्यक्रम में हम उनको वो गाड़ी उनकी गाड़ियाँ पर वापस करने वाले हैं। शिकायत इनकी 25 तारीख को दर्ज हुई थी जब उन्होंने ये 23 तारीख को 23 दिसंबर को वो गाड़ी वहाँ पे खुली जगह पे लगा के चले गए और 25 तारीख को वापस आए तो उनको पता चला कि ये गाड़ी वहाँ नहीं है। तो उन्होंने देखा यार इसमें आयशर गाड़ी पर ही इनका ज्यादा फोकस था और ऐसा क्यों था ये अपने को उसका वर्कआउट करना पड़ेगा। इसमें जो आरोपी पकड़े गए अभी मास्टरमाइंड पकड़ने बाकी है, इसमें 8-9 एक्चुअली 10 के आसपास में लोग अभी भी पकड़ने बाकी हैं और वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे वो करने वाले हैं।